दुनिया को जो बनाए गए हैं अल्लाह ने बनाया है, और हम लोग जो मुसलमान बनकर नमाज में पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद एक दिन कब्र में जाएंगे। कब्र में तीन को सवाल पूछा जाएगा, रब अकुरमान हुकुम दिन हुकुम, तुम्हारा रब कौन है खुदा, तुम्हारा दीन क्या थी इस्लाम। और मन रुबो कहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी नबी हैं। सही जवाब दीजिएगा जन्नत में रहिएगा, और गलत जवाब देने पर जहन्नम की आग में फेंक दी जाएगी। अजान जो होती है बेटा, वो अजान नमाज पढ़ने होता है। हैया लसला हैया लल फला, आओ नमाज की तरफ आओ जाओ, आओ निजात पाने की तरफ आ जाओ, आओ नमाज पढ़ने की तरफ आ जाओ। और हम लोग जा रहे हैं सिगरेट पीने की तरफ, भांग दारू सिगरेट सब शराब पीने की तरफ जा रहे हो, और अपने आप को मुसलमान कहते हो। शर्म तो लगता है हमको। मुसलमान उसको कहते हैं जो एक मुकम्मल ईमान ला हो, सच्चाई नमाज ला हो, मुसलम ईमान हो, उसको मुसलमान कहा जाता है। आजकल मुसलमान केवल होटलों में घरों में गप सड़ापा करते रहते हैं, कोई बिरयानी खाने में गप सड़ापा करता है, कोई टिकिया। मेरे भाई बिरयानी मुसलम यही खाने में सला दुनिया आगे हो गया। दौलत को जमा कर रहा है, गरीब को ध्यान दे रहा है। दोस्तों गरीब भूखा मर रहा है, लेकिन गरीब को ध्यान देने वाला कोई आज इस दुनिया में, झारखंड का बात नहीं, दुनिया में नहीं है। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, ये गरीबी के लिए दुनिया बना था, गरीब को मदद करने के लिए बनी थी। आज हम लोग किसका मदद करते हैं? जो अमीर रहता है उसका मदद कर देते हैं, लेकिन गरीब का मदद नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हो? सबसे बहुत सवाब है, गरीबों को मदद करना बहुत बड़ा सुन्नत फर्ज है। मेरे भाई नमाज से फर्ज है, उसे गरीबों को फर्ज है देना। लेकिन हम लोग मुसलमान बन के नमाज नहीं पढ़ते हैं। हैया लसला हैया लल फला, आओ नमाज की तरफ, आओ नमाज की तरफ कहता है। और हम लोग टीवी देखने बैठ जाते हैं, गाना सुनने बैठ जाते हैं, मोबाइल में पिक्चर देखने बैठ जाते हैं, लेकिन ये नहीं समझते हैं कि सिरातल मुस्तकीम मेरा रास्ता अच्छा रास्ता है। यही सिरातल मुस्तकीम मेरे भाई जन्नत तक ले जाएगा। सही रास्ता पर चलने वालों को कामयाबी मिलेगी, निजात मिलेगा। और हम लोग सही रास्ता कब चुनेंगे मेरे भाई? आज तक सही रास्ता चुनने वाला कोई दुनिया में सही नहीं आया है। हमारी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे, वो भूखे प्यासे दिन फैलाएं। क्या धूप थी, क्या तापमान था, क्या मेरे भाई ठंडा थी या गर्मी थी, बरसात थी, सब मेरे भाई झेला। वो ही नबी, अगर नबी नहीं आते दुनिया में, आज दिन फैलाने वाला कौन रहता? आज इस्लाम को बताने वाला कौन रहता? आज एक तस्वीर पढ़ने वाला कौन रहती? एक भी नमाज पढ़ने वाला मस्जिद ना रहे तो चंद मिनट में फटा हो जाएगी दुनिया। ये दुनिया मेरे भाई अल्लाह का बनाया हुआ है, और अल्लाह का बनाया हुआ में तमाशा लग रहा है। तमाशा क्या है? गिबत करने का तमाशा, चुगली करने का तमाशा, किना कपड़ रखते हैं, बेईमानी करते हैं, वैसा बेईमानी करना गुनाह है। नमाज को पढ़ो। मैं दुकान में बैठा हूँ और 5 रुपये का बिस्कुट बेच रहा हूँ, और उसमें 10 रुपये कहूँगा तो मेरी बेईमानी है। तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, ईमान से कमाओ, नमाज को पढ़ो, अल्लाह को पहचानो। अल्लाह ताला दुनिया को बनाया है, इबादत करने के लिए बनाई है। जिस इबादत के लिए हम खड़े थे, उस इबादत के लिए हम तो मेरे भाई भटक गए। किस रास्ता में भटक गए? अरे भाई गलत रास्ता में भटक गए। कोई अगर है श्रीदेवी जैसा है, लड़की मिल गई, उधर हमारा नियत खराब हो गया, उसको गाड़ी में बैठा कर ले गए, और नमाज पढ़ने का टाइम हुआ, कहते हैं चल हमको गर्लफ्रेंड मिला तो नमाज पढ़ेंगे। तो मेरे भाई नमाज सबसे अहमियत है, गर्लफ्रेंड अहमियत नहीं, टिकिया भी अहमियत नहीं है, कबाब भी अहमियत नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट नमाज है। अल्लाह का सबसे बनाया हुआ खूबसूरत दुनिया, आखिरत के लिए हम लोग सोचना होगा, नमाज पढ़नी होगी। अरे कब्र में जाएंगे, कब्र में क्या लेके जाओगे भाई? 3 गो सवाल पूछेगा कब्र में, रब अकुरमान हुकुम दिन हुकुम। अरे दौलत के लिए मिटो मत, मरो मत, मरो तो मेरे भाई कफन के लिए मरो, एक वतन के लिए मरो। मेरे बुजुर्ग को दोस्तों, अच्छा रास्ता पर मरो, अल्लाह के राह पर चलने के लिए मरो। क्या मरते हो? दो टुकड़े कफन के लिए। क्या लेके जाओगे खजाने में? क्या गड़ा हुआ है? अरे खजाना तो गड़े रोजा में, इसमें गड़ा हुआ है। दोस्तों हम लोग को नमाज पढ़ना होगा, ईमान बनानी होगी, अजान तरफ हमको गुफ्तगू होना होगा, नमाज को पढ़नी होगी। नमाज असलियत में पढ़ोगे
जन्नत जाओगे, नमाज नहीं पढ़ोगे जहन्नम की आग में फेंकी जाए। मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं है कोई माबूद, अल्लाह के सिवा कोई माबूद।